इमोशनल है आज और कुछ कन्फेशंस भी कर रही है मेरे पास, क्या कुछ हो रहा है? हम लोग ग्रेवयार्ड में हैं अभी और ये आयशा माँ से मिलने आई हैं, मतलब ग्रेवयार्ड में ऑफकोर्स, और काफ़ी इमोशनल हो गई हैं, और क्योंकि इन कोर्स ऑफ इवेंट्स ऐसे हुए हैं कि विदित और रागिनी पंडित ने मिलके हमें कुछ बदनाम करने की कोशिश की है, स्पेशली मुझे, तो मैं भी ब्रोकन हूँ और अवनी भी कहीं ना कहीं ब्रोकन है, बट हम लोग वही डिटर्मिंड हैं कि हम लोग इसका जवाब देंगे, और जो हम पे जो बदनामी का वो लगा है कि यू नो जूही को हमने प्लान किया था कि जूही मर चुकी है और विद्युत ने उसे मारा है, तो उसके इल्ज़ाम पूरा विद्युत पे हमने डाला था। अब जूही क्योंकि मीडिया के सबके सामने है कि जूही जिंदा है और हमारे घर में रह रही है, तो वो चीज़ का कुछ एक काउंटर हम लोग देने वाले हैं, तो बस वही एक। और उसके साथ साथ अवनी ये भी कहती है कि कभी छोड़ के नहीं जाएगी नील को और उसके साथ रहेगी, तो थोड़ा सा वो इमोशनल फीलिंग है। हाँ, एक पॉइंट पे उसे लगता है कि यार अगर जूही और मिष्टी साथ में है तो हो सकता है कि मतलब वो छोड़ के चले जाए और जूही और नील एक साथ हो जाए, तो वो वही बोलती है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये दिमाग में आया था कि ऐसा कुछ हो कर सकूं मैं, बट अगेन शी वाज लाइक अ डिटरमिंड वाइफ कि यार जैसा है वैसा है, मैं छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें, और तुम मुझसे बेहद प्यार करते हो, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। इसी बीच में जूही और गुरुमा छिप के देख रहे हैं और गुरु कहीं ना कहीं जूही को लड़का रही है। हाँ, वो गुरुमा जो है वो अपनी षड्यंत्र रचा रही है, जो जूही है बहुत ही सेंसिटिव है इस मामले में, तो जूही कहीं ना कहीं मोल्ड हो रही है उस तरफ, तो गुरुमा उसे कोशिश कर रही है कि यार जूही उनकी तरफ आ जाए और यू नो आगे की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आगे कर सके। ठीक है,